बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बाजरे के आटे की टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी होती है और सर्दियों के हिसाब से बहुत मुनासिब रेसिपी है ये। तो चलें अज़ा नोट कर लेते हैं कि बाजरे के आटे की टिकिया में क्या क्या अज़ा जाएंगे। तो लेकिन अज़ा नोट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी आपके रिश्तेदार अजीज़ अकारीब हैं उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप एंड तक देखें ताकि बीच में कुछ मिस ना हो जाए आपसे। तो चलें अज़ा नोट कर लेते हैं कि टिकिया में क्या क्या जाएगा बाजरे की। तो देखें, मैंने ये एक पाव जितना बाजरे का आटा लिया है और मैंने ये गुड़ लिया है, इसको मैंने क्रश करके रख लिया। अब इसको मैंने भिगो के इसको जो है इसका चाशनी बनानी है। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के तिल लिए सफ़ेद वाली, और ये मैंने ऑयल लिया है जिसमें 3 टेबल स्पून जब हम आटा बाजरे का गूंदेंगे उसमें जाएगा, बाकी फ्राई में जाएगा। तो चलें बाजरे का आटा पहले गूंदते हैं गुड़ डाल के, पहले चाशनी बनाते हैं गुड़ की। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को जो है चाशनी बनानी है थोड़ी सी। तो देखिए व्यूअर्स, ये गुड़ जो है पिघल रहा है। बस गुड़ पिघल जाएगा तो फिर मैंने इसको छान के और ठंडा करके फिर इसी से मैंने बाजरे का आटा गूंदना है। तो देखिए व्यूअर्स, बाजरे का आटा मैंने इसमें डाल दिया है। ये 1 कप मैंने आपको दिखाया था, 1 बाउल, मैंने ये 1.5 बाउल लिया है। अब इसके अंदर जो तिल मैंने रखी थी ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 4 टेबल स्पून भर के ऑयल डालना है। इसको हाथ से मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से ऑयल इसमें आटे में मिक्स हो जाए बाजरे के। तो देखें व्यूअर्स, इसमें जो मैंने ऑयल डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया और इस तरह ये मुट्ठी बननी चाहिए। चले अब इसको गुड़ के पानी से शीरा जो बनाया था उससे मैंने इसको गूंदते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये इसमें हमने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको गूंदना है। तो देखें व्यूअर्स, इस तरह हमने इसमें डाल के गूंदते जाना है और इसका डो जो है वो बहुत पतला नहीं होगा और ना ज़्यादा सख्त होगा। तो देखिए व्यूअर्स, आटा हमने बाजरे का इतना सख्त गूंदना है और इसको भी मैंने 2 से 4-5 मिनट के लिए इसी तरह इसको छोड़ देना है, फिर मैंने इसकी टिकियां बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अभी 5 मिनट हो गए हैं, ये डो अच्छा सा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके छोटे बड़े बड़े से पेड़े बना के फिर इसकी बेल के इसकी टिकियां किस तरह काटते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने इस पर ऑयल थोड़ा सा लगा लिया क्योंकि इसमें खुश्कियाँ हमने डालनी नहीं है। तो अब इसको हमने बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है ना ज़्यादा मोटा, और बहुत एहतियात से क्योंकि ये बाजरे का आटा है जल्दी टूट जाता है। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी डिश है। तो देखें व्यूअर्स, बस हमें इतना मोटा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए टिकिया का शेप। जरा इसको काटते हैं। ये मैंने एक ढकना लिया है, इसके इसी साइज़ में मैंने सारे काटने हैं। तो देखें व्यूअर्स, इस शेप में मैंने काट लिए हैं, इसको मैंने उठा के रखना है और बाकी जितना डो बना है वो सारे मैंने इसी तरह इसी शेप में इसी तरह गोलाई में काट के रखना है। तो देखें व्यूअर्स, ये टिकियां रेडी हैं। चलें अब इसको हमने फ्राई करना है। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, लेकिन ये जो बनाएंगे हम धीमी आंच पे इसको बनाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। तो देखें व्यूअर्स, ये ऑयल गर्म हो गया, अब मैंने इसको चूल्हे को स्लो कर दिया और इसको स्लो आँच पर ही हमने
फ्राई करना है। तो बस तीन तीन टिकियां डाल के इसको हमने फ्राई करना है और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये एक साइड से हो गया है, अब ये दूसरी साइड से हमने इसको धीमी धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे तरह सिक जाए। तो देखें व्यूअर्स, ये फ्राई हो गए हैं, अभी मैंने इसको निकाल देना है और बिल्कुल हल्का, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो देखें व्यूअर्स, अब इसी तरह हमने सारी टिकियां फ्राई कर लेनी है और ये है कि धीमी आंच पे फ्राई करनी है इसको। तो देखें व्यूअर्स, ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं आपको सारे फ्राई करके डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये बाजरे की गुड़ की मीठी टिकियां रेडी हैं, आप बनाएं मेरे स्टाइल से और सर्दियों को इंजॉय करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने आपके रिश्तेदार अजीज व अकारिब हैं उनके साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस आप एंड तक देखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।